नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में उन्नीस चैनल इंग्लिश के साथ एक बहुत ही खास टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, जिसके अब से 10 क्लास और चलने वाले हैं। जी हाँ, टोटल 10 क्लास में इसको मैं कंप्लीट करूँगा। वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज, जी हाँ, उलझाने वाले ऐसे शब्द, जो कि अनेक ऐसे शब्द हैं और अब जो अपने रूप, उच्चारण और अर्थ में दिखते थे जैसे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं, अर्थात वे एक दूसरे से बिल्कुल ही भिन्न होते, अलग होते हैं। ऐसे शब्द प्रयोग में काफ़ी उलझन पैदा कर सकते हैं, सुनने में जैसे लगते हैं, अतः इनके प्रति विशेष सावधानी और समझ की भी ज़रूरत है। यदि इनका सही प्रयोग नहीं किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यहाँ ऐसे प्रमुख जोड़ा शब्दों को मैंने लिया है जो कि अलग अलग अर्थ और उदाहरण पेश करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पहला एक नंबर से हम लोग लेंगे, और चूंकि 10 चले गए और 10 टोटल 20 वर्ड्स हो गए। तो देखिए, पहला वर्ड्स है दोस्तों, क्या उच्चारण करेंगे, उच्चारण करना पहले सीखिए। यहाँ पर मैं उच्चारण का भी जो तरीका है वो मैंने लिखा है, और वो इस तरह से है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हिंदी क्या हो जाएगा इसका अर्थ, यहाँ मैं छोटे छोटे अक्षरों में लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। स्वीकार, स्वीकार करना, एक अर्थ ये हो गया एक्सेप्ट का मतलब। दूसरा होता है तो ग्रहण करना, ग्रहण करना। अब देखिए, एकदम जस्ट लाइक आप समझिए कि कहीं आप कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं और आपको बोर्ड पर पढ़ाई जा रही है, उस तरह से यहाँ आपको दिखने को मिल रहा है, तो आप इसे नोट करते चलें और सीखेंगे बहुत अच्छा। जैसे ये तो है ग्रहण करना, स्वीकार करना, इससे मिलता जुलता अगर वो कि सेंटेंस बने तो कैसा बनना चाहिए सेंटेंस, इस पर ही बात करेंगे दोस्तों। तो ये सेंटेंस देखिए इस तरह से बनेगा कि He did not accept my invitation। अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ चूंकि मैं यहाँ पर बता दूं कि उसने मेरा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, ठीक है, उसने मैंने he did not accept माई इन्विटेशन, उसने मेरा जो है क्या निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। दूसरे आते हैं एक्सेप्ट क्या होता है इसका, ये रहा दोस्तों दूसरा, इसको भी इस तरह से पढ़ते हैं, मिलता जुलता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट लास्ट का जो एक्सेप्ट है और कर्स एक्सेप्ट तक एक ही ऐसे लगते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना, या के सिवाय है ना, के सिवाय। वहाँ क्या अर्थ था पता है, वहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि एक्सेप्ट का मतलब था स्वीकार करना, ग्रहण करना, जबकि जस्ट उसके अपोजिट यहाँ पर है कि छोड़ देना, वहाँ स्वीकार कर रहा था, ग्रहण कर रहा था, जबकि यहाँ पर छोड़ देने की बात की जा रही है। अगर सेंटेंस इस पर एक सेंटेंस देख लेते हैं, एक्सेप्ट रवि एवरीबॉडी Everybody was present। इसका मतलब है कि रवि के सिवाय सब उपस्थित थे, रवि को छोड़कर सभी लोग यहाँ, एवरीबॉडी है तो EVER, एवरीबॉडी, रवि के
सिवाय सब उपस्थित थे, रवि को छोड़कर सभी उपस्थित थे, इस तरह के हैं। अब चलिए नंबर दो पे आते हैं। नंबर दो, ये रहा पहला वर्ड एडमिट। क्या उच्चारण होगा? एडमिट। अर्थ क्या है एडमिट का? तथ्य को स्वीकार करना, ठीक है, तथ्य को स्वीकारना या स्वीकार करना, एक ही बात है। तथ्य को स्वीकार करना, और क्या होगा दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल चूंकि जरूरी है, ही हैड टू एडमिट दैट he was absent इसका क्या मतलब हो? उससे अपनी अनुपस्थिति स्वीकार करनी पड़ी, ठीक है, यानी कि तथ्य को स्वीकार किया, उसने जो है स्वीकार किया, उसको स्वीकार करना पड़ा कि वह अनुपस्थित था। इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है, ही हैड टू एडमिट, यानी कि उसको स्वीकार करना पड़ा कि वह अनुपस्थित था। चलिए दूसरे वर्ड्स पे चलते हैं, एडमिट के जो कि एकदम जस्ट दूसरा एक ही जैसे उच्चारण में दूसरे अर्थ है के साथ। कन्फेस, क्या एडमिट और कन्फेस, कन्फेस अर्थ क्या हो जाएगा? गलती या अपराध स्वीकार करना। वहाँ तथ्य स्वीकार कर रहा था एडमिट में, यहाँ पर गलती, ठीक है, गलती या अपराध स्वीकारना या स्वीकार करना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या समझने का है कि आप कन्फेस जब देखते हो कि चर्च वगैरह में जो फादर होते हैं और जो वहाँ के जो डिवोटी होते हैं, यानी जो चर्च में जाते हैं, वो अपने गलती स्वीकार करने के लिए कन्फेशन करते हैं, ठीक है, एक बंद बॉक्स में जाकर वो अपनी गलतियाँ बोलते हैं और फादर उनकी गलतियों को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखते हैं, तो वो कन्फेस करते हैं। तो यहाँ कन्फेस का मतलब होता है गलती अपराध स्वीकार करना, वहाँ एडमिट का मतलब था तथ्य को स्वीकार करना। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, ये देखिए, अल्टीमेटली द थिप हैड टू कन्फेस his guilt। इसका मतलब यही हुआ कि अल्टीमेटली का अर्थ हो जाता आखिरकार चोर ने अपना अपराध यानी अपनी गलती को चोर को अपना गलती स्वीकार करना पड़ा। आखिरकार चोर को अपना अपराध या गलती स्वीकार करना पड़ा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर तीन, और ये रहा एडवाइस। सी ई को मैंने हमेशा बताया कि सी को स पढ़ते हैं, यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि सी को स पढ़ते हैं। एडवाइस अर्थ क्या हो जाएगा एडवाइस का? तो पहले ये देखिए, एडवाइस का अर्थ जो है सलाह, राय, ठीक है,
सलाह होगा या राय, ये एक नाउन वर्ड हो गया, ठीक है। नाउन है क्या है, एडवाइस जो है एक नाउन है, संज्ञा है, याद रखिए नाउन, नाउन है एडवाइस। अब इसका इसका जो एग्जाम्पल है वो इस तरह से समझें कि ही गेव मी ए गुड पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, इसका अर्थ हो गया उसने मुझे एक नेक सलाह दी, क्योंकि एडवाइस का मतलब सलाह राय था, तो उसने मुझे एक अच्छी सलाह दिया, अच्छा राय दिया। अब चलिए इससे मिलता जुलता जो दूसरा है वर्ड एडवाइस, इसका वहाँ एडवाइस था, वहाँ यहाँ पढ़ा एडवाइस पढ़ा गया, इसका मतलब वही है सलाह या राय, लेकिन यहाँ पर ये संज्ञा नहीं, ये एक क्रिया है, वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर एक संज्ञा नहीं बल्कि एक क्रिया है, वर्ब है। एग्जांपल इसका है दोस्तों माई, ठीक है, माई फादर एडवाइज्ड मी एडवाइज मी टू डू सो, यानी उसने मुझे ठीक है, मेरे पिता ने मुझे ऐसा करने की सलाह दी, मेरे पिता ने मुझे ऐसा करने की सलाह दी। नंबर चार, अफेक्ट क्या होगा, अर्थ असर करना, ढोंग रचना। अफेक्ट का मतलब है असर करना या ढोंग, ठीक है, ढोंग रचना, अफेक्ट का मतलब। थोड़ा सा लग रहा होगा कि अफेक्ट मीन्स ऐसा होता है क्या, जी हाँ दोस्तों ऐसा ही होता है, अफेक्ट मीन्स होता है असर करना, अफेक्ट हो ना, अफेक्ट पड़ रहा है उस पर, अच्छा अफेक्ट पड़ रहा है उस पर, खराब अफेक्ट पड़ रहा है, अफेक्ट पड़ यानी उस पर अच्छा असर पड़ रहा है, अच्छा खराब असर पड़ रहा है, यही तो मतलब हुआ। अब एग्जाम्पल देखिए, पहले यहाँ समझ लीजिए, वाई हार्ड वर्क अफेक्टेड, हार्ड वर्क अफेक्टेड हिज हेल्थ, मतलब दोस्तों कि कठोर श्रम ने उसके स्वास्थ्य को प्रभावित किया, कठिन परिश्रम ने कठोर यानी कठिन काम ने उसके स्वास्थ्य को प्रभावित किया। अब देखिए जो है दूसरा अफेक्ट के बाद इफेक्ट, वहाँ अफेक्ट पढ़ रहे थे, यहाँ पर इफेक्ट पढ़ रहे थे, वहाँ पर बस ए का, वहाँ ए था यहाँ ई था, बात वही है स्पेलिंग, और इसका मतलब होता है परिणाम, इफेक्ट मीन्स होता है परिणाम या फल, ठीक है, फल का मतलब परिणाम। और एग्जांपल इसका है दोस्तों टेक द मेडिसिन, टेक द मेडिसिन एंड सी द इफेक्ट,
एंड सी द इफेक्ट, दवा लो और असर देख लो, दवा लो यानी कि दवाई लो और उसका परिणाम या फल देखो। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट, क्या पढ़ेंगे इसको, एल्यूड, एल्यूड मतलब संकेत करना, एल्यूड मीन संकेत करना, एल्यूड अर्थ। एग्जाम्पल ले लीजिए, वाई डू यू एल्यूड टू दैट इंसिडेंट, है ना, आप उस घटना की ओर संकेत क्यों कर रहे हैं, व्हाई डू यू एल्यूड दैट इंसिडेंट, आप उस घटना की ओर संकेत क्यों कर रहे हैं। एल्यूड इसका मतलब है टलना या बच निकलना, टलना या बच निकलना, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देखिए, वहाँ एल्यूड था, यहाँ एल्यूड है, द थीप एल्यूडेड, द थीप एल्यूडेड द पुलिस, द पुलिस चोर पुलिस से बच निकला, चोर पुलिस से बच निकला, कितना अच्छा, चोर जो है पुलिस से बच, द थीप एल्यूडेड द पुलिस। नेक्स्ट देखिए सिक्स नंबर, एल्यूजन, एस आई एन को जन पढ़ते हैं, एल्यूजन है ना, और इसका अर्थ होता है हवाला या संदर्भ, किसी के हवाले का ना, हवा किसी के हवाले से बात कर रहे हैं, हवाला या संदर्भ। एग्जांपल देख लीजिए इसका, द पोयम, द पोएम इज फुल, डबल एन, इज फुल ऑफ एल्यूजन, एल्यूजन्स। दोस्तों इल्यूजन, यहाँ भी ऐसा इनको जन पढ़ते हैं, इल्यूजन, इल्यूजन और एल्यूजन में अंतर क्या है कि एल्यूजन मीन्स हवाला संदर्भ, जबकि इल्यूजन मीन्स भ्रम, भ्रम या वहम कहते हैं ना उसको, वहम हो गया, इल्यूजन हो गया। एग्जांपल है दोस्तों, लाइफ इज एन, लाइफ इज एन एल्यूजन, जीवन एक भ्रम है, ऑलरेडी। तो देखिए ऑलरेडी दो तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर आपने देखा ए एल को ऑलरेडी, इसका मतलब है कि पहले से ही, ऑलरेडी मीन्स पहले, पहले से ही, बहुत ही अच्छे थे, पहले से ही यानी कि ऑलरेडी, पहले से ही, ऑलरेडी का मतलब हुआ पहले से ही। एक और ऑलरेडी है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल देख लीजिए इसका कि आई हैव कुछ देख सी, आई हैव बहुत इजी से पढ़े सीखेंगे, आई हैव ऑलरेडी
आई हैव ऑलरेडी सीन इट। क्या इसका अर्थ हो जाएगा? मतलब कि मैंने पहले ही इसे देख लिया, पहले ही, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, मैंने इसे पहले ही देख लिया। दूसरा देखिए ऑलरेडी अलग, एवं ऑल एक अलग से, रेडी एक अलग से, और वहाँ पर ऑल एक साथ था, इसमें डबल एल नहीं था, सिंगल एल था, इसका मतलब होता है पूरी तरह से, ठीक है, इसका मतलब है पूरी तरह से, पूरी तरह से, या सब सबके सब, पूरी तरह से या सबके सबके सब, है ना, इस तरह से। तो क्या होगा यहाँ पर अर्थ इसका? एग्जाम्पल देखिए, द विजिटर विल, द विजिटर, द विजिटर्स, द विजिटर वर, ठीक है, द विजिटर वर ऑलरेडी, ऑल ऑलरेडी, सारे के सारे दर्शक जाने को तैयार थे। नेक्स्ट देखिए नंबर 8, और ये रहा, देखिए यहाँ भी एल ऑल है, ऑल टुगेदर, और इसका अर्थ हो जाएगा ऑल टुगेदर का पूरी स्वर से, पूरी स्वर से, पूरी स्वर से, ऑल टुगेदर में पूरी स्वर से, एक मतलब सभी के साथ पूरी स्वर से। इसका एग्जांपल देखिए, आई एम ऑल टुगेदर विद यू, क्या हो जाएगा? आई एम ऑल टुगेदर, टुगेदर विद यू, है ना, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है दोस्तों कि मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। आई एम ऑल टुगेदर विद यू, मैं पूरी तरह मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप कहने में भी इस तरह के बात को शामिल करना चाहते हैं तो सीखिए, बोलने के भी एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए वहाँ ऑल एक साथ था, जिसमें एक ही एल था, यहाँ डबल एल है जो कि अलग अलग कर देगा ऑल टुगेदर, और इसका अर्थ हो जाता है एक स्वर से, वहाँ पूरी स्वर से था, पूरी स्वर से, और यहाँ पर एक स्वर से, एक स्वर से, क्या होगा? पहले इसका एग्जांपल देख लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। दे ऑल टुगेदर शाउटेड, दे ऑल, ऐसे लिखेंगे, ऑल टू टुगेदर शाउटेड, मैं पूरी, वे सारे एक साथ चिल्लाए, क्योंकि एक स्वर से था तो वे सारे एक साथ चिल्लाए। देखिए 9 नौ नंबर है, और सो एनालिस्ट, 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 और ये तो इसका अर्थ हो जाता है विश्लेषक, 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 क्या होगा एग्जांपल दोस्तों? ही इज एन एनालिस्ट, एनालिस्ट इन अ फैक्ट्री, ऑफ केमिकल,
वह केमिकल्स के कारखाने में एक विश्लेषक है। अर्थ ही होगा कि वह केमिकल के यानी कि केमिकल के रासायनिक कारखाने में एक विश्लेषक है ना। नेक्स्ट देखिए दूसरा जो है इसका मतलब है एनालिस्ट। इसका अर्थ हो जाता है दोस्तों एनालिस्ट का इतिहासकार। वहाँ विश्लेषक था यहाँ पर इतिहासकार। एग्जाम्पल है दिस बुक लिख लीजिए काम आएगा। दिस बुक हैज बीन रिटेन रिटन बाय अ फेमस एनालिस्ट इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है दोस्तों कि यह पुस्तक एक प्रसिद्ध इतिहासकार द्वारा लिखी गई है। यह किताब एक प्रसिद्ध इतिहासकार द्वारा लिखी गई है। नंबर 10 देखते हैं तो ये रहा दोस्तों नंबर 10 और ये 10 का एक है पहला एनिक डॉट यानी किस्सा समझते हैं ना कहानी है ना वही किस्सा हुआ किस्सा उपाख्यान लेकिन यहाँ पर स्टोरी नहीं समझ लीजिएगा मिलता जुलता है उपाख्यान एनिकडॉट। तो दोस्तों एग्जांपल है माय टीचर या माय फादर कुछ भी लिख सकते हैं माय टीचर रिलेटेड एंड माय टीचर रिलेटेड एंड इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग एनिकडॉट एनिकडॉट इसका मतलब कि मेरे अध्यापक ने एक दिलचस्प किस्सा सुना मेरे अध्यापक ने एक जो है दिलचस्प उपाख्यान सुनाया। ये रहा दोस्तों एंटी डॉट प्रतिविष या प्रतिकारक डॉट होता है एंटीडॉट कहते हैं ना एंटीडॉट दे दीजिए कुछ यानी विष का उल्टा दीजिए या प्रतिकारक दीजिए प्रतिकारक लेकिन एंटीडॉट का मतलब आप एंटीडॉट ही समझते होंगे ज़्यादा इजीली समझ जाते होंगे इसका क्या मतलब है। अर्थ इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है तो इसका एग्जाम्पल यहाँ दे देते हैं चलिए यहाँ ले लीजिए क्वीनी इज एन एंटी डॉट फॉर मलेरिया। इसका मतलब है कि कुनैन मलेरिया की उपचार है प्रतिविष है एंटीडॉट है। दोस्तों ये थे कुल 10 यानी कि 20 ऐसे वर्ड जो कि उलझाने वाले थे उच्चारण में एक जैसे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था अर्थ भी अलग अलग थे। तो बताइए कैसा लगा ये मेरा प्रयास। अगर ये मेरा प्रयास अच्छा लगा आप सभी लोगों को तो प्लीज़ कृपया लाइक कीजिए और शेयर वैसे लोग कीजिए
ताकि और लोग भी सीख सकें। और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए, घंटी भी दबाइए हमसे जुड़े रहने के लिए। ओमनीसेंट हमारे ऐप को डाउनलोड कर लिए, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, धन्यवाद। थैंक यू कोचिंग मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद थैंक यू कोचिंग, नमस्ते।